ब्रैकेट का वोल्टेज कौन कौन चेक कर सकता है यहाँ पर? सब चेक कर सकते हैं। और आरएफ का वोल्टेज भी दिखाया यहाँ पर? यस सर। प्रैक्टिकली यहाँ पे नेटवर्क पे दिखाया कि पीएफओ या पीएफओ में अगर वोल्टेज दिया है तो क्या फॉल्ट आ सकता है? तो अभी आप क्या बता रहे हैं बताइए, नाम बता दे। नाम बताइए अपना, शीट बताइए। शेख नजीम, WTR जियो 4G। समीम सेठ, वीवो 93। उतना मेहनत करके बाहर क्लोज कर लेंगे, काम गया क्या कर रहा है। हमारे साथ स्टूडेंट है 28 अगस्त के। यस सर। यस सर। शाम तक जोश है कि नहीं है? यस सर। हाँ, जोश करना चाहिए भाई। क्या सेक्शन था हमारा आज? नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन था ना? यस सर। नेटवर्क सेक्शन किसने किसने क्लियर किया बताओ जरा। आप जरा मैंने किया सर। इधर से बताइए आपने क्या ड्राइंग किया इसके ऊपर? ये WTR के डाटा शीट है सर। MI5 WTR डाटा शीट। WTR डाटा शीट। और से विश मॉडल ये सर Samsung J250 है ना आपका? WTR 2965। कौन सा मॉडल का बनाया आपने? ये उसका Note 3 और Note 4। ठीक है, बताइए आप मॉडल, आप बताइए अपना कॉपी बताइए। विश मॉडल मॉडल का नाम क्या है? Note 4 का। आपका बताइए? WTR Geo 4G। आप बताइए? WTR Geo 4G। नाम बता दे। WTR 58। नाम बताइए अपना, शीट बताइए। शेख नजीम, WTR जियो 4G। समीम सेठ, वीवो 93। जियो का। राजेश, कौन से फोन का है आपका? कौन से फोन का है? Note 4 का। WTR। अभिषेक बताइए। WTR का। तो पहचानने में हमको कोई दिक्कत होगी? सेक्शन से हम वोल्टेज पहचान सकते हैं है ना? कौन सा वोल्टेज हमको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरा नाम है देवत अग्रवाल। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ आप देखिए IC का डाटा शीट बनाना सीखा है जो कि बहुत बहुत कम लोगों का। ये पूरी लाइन क्या है बताइए? एक बार मैं आपको स्टूडेंट से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बार मुझे से बताइए कि मुझे बताइए पीएफओ का वोल्टेज कौन कौन चेक कर सकता है यहाँ पर? सब चेक कर सकते हैं। और आरएफ का वोल्टेज भी दिखाया यहाँ पर? यस सर। प्रैक्टिकली यहाँ पे नेटवर्क पे दिखाया कि पीएफओ या पीएफओ में अगर वोल्टेज दिया है तो क्या फॉल्ट आ सकता है? तो अभी आप क्या बता रहे हैं बताइए? डाटा शीट देखिए, हम अभी डाटा शीट बना रहे हैं यहाँ पर। बनाइए, पहले अच्छे से उतार लो। हाँ, ये पूरी लाइन लिख लो। ओएल आओ, आपको हम दूसरे दिखाते हैं। चल रही है ये नॉन बेसमेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये हमारा स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर एक RFIC लगा रहा है MediaTek का सेक्शन का RFIC। और अभी हम यहाँ पे PFO सप्लाई कर चुके हैं और ये हम लाइव कर। तो जो आप क्लास देख रहे हैं वो नेटवर्क सेक्शन की क्लास है। जैसे कि आपने शुरू में देखा दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देख के कॉल करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर मुझे इंस्टीट्यूट देखना है, क्लास देखना है। तो हम सब कुछ लाइव डालते हैं, सारा फेसबुक में डाला हुआ है। फेसबुक में जाइए इसे टेलीकॉम में, आप देखिए कि ये बैच चालू हुआ था 27 तारीख से और अभी की जो तारीख है, जिस भी डेट में आप ये देख रहे हैं, आप सितंबर का पूरा महीना आप देखिए हर दिन लाइव आए 3 बार, तो आप थक जाएंगे देख देख के कि इतना आप लाइव आपने किसी इंडिया के और दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं देखा होगा। क्योंकि यहाँ पे हम सारा कंटेंट स्टूडेंट को जो देते हैं वो यहाँ लाइव दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ एशिया टेलीकॉम में है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कोर्स ज्वाइन करना है कॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो है नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। नेटवर्क सेक्शन हो चुका है, आज ये कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या वर्क कर रहे हैं और किस नेटवर्क सेक्शन पे वो काम देख रहे हैं कि नहीं देख पाए, सारा मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। तो चलिए अपने स्टूडेंट को दिखाते हैं।
क्या कर रहे हो आप? ये MI5A का WTR का डाटा शीट बना रहे हो? डाटा शीट बना रहे हो? हाँ सर। कहाँ पे लगा WTR? यहाँ पे है सर। उसका आप डाटा शीट बना रहे हो? यस सर। चेक करके पूरा उसका GR वगैरह सब नोट करेंगे आप? सर यस। आप क्या कर रहे हैं सर? J2 का नेटवर्क प्रॉब्लम का WTR डाटा सेट को ट्रेस करेंगे। डाटा WTR बनने को जरिए। ओके, आप क्या कर रहे हैं? WTR ट्रेस कर रहे हैं। ट्रेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक्चुअल में मिल रही हैं आपको? सर मिल रही है, डाटा से बनाया गया है, ये सारा चीज मिल रहा है आपको? जी सर। क्या ये 4G हैंडसेट, कीपैड हैंडसेट स्मार्टफोन में कुछ अलग है क्या? नहीं, लगभग सेम ही चल रहा है सर। सेम ही है, अलग है क्या कुछ? ये WTR लगभग सेम चल रहा है। जी जी, ये लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ये मिलन सर और ये हमारे पुराने स्टूडेंट जो अपडेट के लिए आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? ये WTR का डाटा शीट चालू फोन था ये? यस। उस पे कर रहे हैं आप लाइव? वापस से लगाएंगे और नेटवर्क आना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? सर WTR सर। WTR का क्या डाटा सेट बना रहे हैं? सर चालू फोन था? चालू फोन सर जी। ओके, फिर से लगा के चालू करिएगा। आप क्या कर रहे हैं? WTR जियो का सर डाटा। जियो का डाटा चालू फोन है जी सर। क्या कीपैड और एंड्रॉइड में कुछ अलग है क्या? नहीं सर। उसका भी डाटा से सेम होगा? इसका भी डाटा से WTR जिसमें लगी होगी सेम होगा। ओके, क्या कर रहे हो? WTR का डाटा सेट बना रहे हैं। कौन सा मॉडल है ये? ये वीवो का 92। वीवो का 92। क्या कर रहे हो? डाटा सीट बना रहा है। किसका डाटा सीट बना रहे? जियो फोन का सीट। जियो फोन का डाटा सीट। जो आज आज क्लास पढ़ाई गई समझ में आ रहा है सारी चीजें? कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए पता है आपको? ये क्या बनाया आपने? डाटा सीट। किसका है? चालू फोन था। लगा के वापस से चालू करिए। ये सारे में रीडिंग ओएल जिसमें मिला है सारी चीज आपने चेक किया है? आप क्या कर रहे हो? WTR की डाटा शीट बना रहे हैं सर। WTR की डाटा शीट बना रहे हो। कौन सा फोन है ये? ये MI का 5A। 5A जी सर। कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए पता है आपको? हाँ सर। क्या कर रहे हो सर? WTR RF चेक कर रहा हूँ। RFIC चेक कर रहे हो? पहचान पा रहे हो? पहचान क्या होती सारा चीज पता है यहाँ पे? जी। क्या कर रहे हैं? RFIC चेंज कर रहे हैं। RFIC डाटा सीट बना रहे? डाटा सीट बना दिया। अच्छा, डाटा सीट बना दिया। चालू फोन था? कहाँ है फोन? कहाँ पे? नोट 4 का। नोट 4 का। क्या कर रहे हैं सर? RFIC पे। कौन सी RFIC? डाटा सीट। पीओफो कौन सी है? पीओफो 3। ओके, क्या कर रहे हैं? नेटवर्क नहीं आ रहा सर। कौन सी ऐसी लगी है? सैमसंग का A50 है। A30 फोन है। पहले तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करिएगा। वोल्टेज नहीं आ रहा सर। वोल्टेज नहीं आ रहा है? पावर में सप्लाई चेक करते हैं। अच्छा, तो क्वांटिटी लीजिएगा। ये बोल रही है समझ में आ रहा है अभी आपको? जी सर। क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी सर, इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। वोल्टेज चेक कर रहे हैं। MediaTek का CPU लगा हुआ है जी। इसमें वो RFIC MT61 है। अच्छा, MT61। पहचान पा रहे हैं सारी चीजें? जी सर। आप क्या कर रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं। किस चीज का? WTR का। WTR का डाटा सीट बना रहे हैं। हाँ। कहाँ पे भी कुछ बनाया? इधर बना रहे हो, देख सकते हैं सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हुए सारी चीज यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो? डाटा शीट कर रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है कि 4G फोन का अलग हो और स्मार्टफोन का अलग हो और यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक 4G फोन है, तो जो स्मार्टफोन और कीपैड में कोई डिफरेंट तो नहीं है ना, सेम है ना, WTR उसमें भी लगा होता है और WTR इसमें भी लगा हुआ है, तो कोई डिफरेंट है क्या सप्लाई में? सेम है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारी लाइव क्लास है, क्योंकि लाइव हमेशा हम आते हैं और डेली का डेली हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये हमारे स्टूडेंट, ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो पढ़ के गए हुए हैं और यहाँ पे रिविज़न के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप लाइव बने रहें। थैंक यू। ये हमारे दुर्गेश सर और ये हमारे बिलन सर। बिलन सर, क्या चल रहा है अभी बताइए? अपडेट की क्लास चल रहा है सर। अपडेट की क्लास चल रहा है, एक बार हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे अपडेट की क्लास में। लाइव है आप लोग अभी देखो, हमारे पुराने करण और यहाँ गोमती, क्या नाम है, संजय, आरिफ और ताजिम, ये हमारे सारे स्टूडेंट आए हैं जो अपडेट लेने के लिए आए हैं। अपडेट में क्या क्या प्रॉब्लम जा रहा था थोड़ा मुझे बताइए, और क्या क्या यहाँ पर अपडेट में आपको प्रॉब्लम जा रहा था, क्या टॉपिक है आपके? टॉपिक है सर एमएनसी के, जो एमएनसी से रिलेटेड है, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा बताइए बिल्कुल, डैड को और डायग्नोस करना यहाँ से आने के बाद, और तीसरा हम आपको ड्यूएल सीपीयू भी करवाएंगे, डबल डेकर सीपीयू भी इन सबसे करवाएंगे। एक बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब कैसा लगा यहाँ से जाने के बाद, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट हो जो यहाँ से काम कर चुके हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो पहले तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। हाँ, आप भी जानते हैं तो मैं कैसा था यहाँ के बारे में। आप चलो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इनका नाम है गोमती, पूरा नाम सत्यन गोमती। जी नहीं सर, गोमती नाम है और सत्यन डिलिंग से। अच्छा, इनका जो मोबाइल का शॉप है, रिपेयरिंग का नाम है वो सत्यन टेलीकॉम है, और ये एक मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। जी सर। हाँ, वेरी गुड, नहीं तो अच्छी बात है ना, वो हमारे सपोर्ट से है और हमें कोई वो नहीं है कि ये चलाते हैं तो यार है। अगर आपको बिल्कुल सीखना है तो गोमती तुम्हारे पास सीख सकते ही नहीं सीख सकते सर, मेरे पास हाई लेवल का नहीं, बस ये है कि मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो है और जिसको गोमती बहुत कुछ सिखा सकता है ऐसा नहीं है, ये कह रहा है ऐसा हाई लेवल का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैडम दो मिनट रुकना जरा, मैं सच बता रहा हूँ कि गोमती अपना नंबर बोलो। अगर किसी को फोन सेंड करना है हम सबके देंगे, पर अभी बैकअप पूरा हो जाने दो, उसके बाद बैकअप आने का। तो ये फर्स्ट डे है, ये आज ही आए और चेहरे पे इनकी खुशी देखो यहाँ पर। और ये हमारे मिलन सर, मिलन सर पान खा के आए चलो। और ये हमारे दुर्गेश सर, और दुर्गेश सर आओ। हमारी मैडम, आओ ऊपर आइए, अभी जो कर रहे हैं यहाँ पे WTR, WTR में काम कर रहे हैं, उसकी सारे GR जो होती है, पैड की GR हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ये क्या है बताओ? ओएल। ओएल उसके बाद कितनी छोड़ दी आपने? एक दो तीन, तीन छोड़ दी। 410 उसके बाद तो इधर आइए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन GLT अपने बारे में बताइए, यहाँ पे आ जाओ ऐसे आइए। जैसे कि अभी हार्डवेयर चल रहा है हमारा, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर के बाद हमारा एमएनसी चलेगा, जो भी लेटेस्ट फोन आ रहा है उसको अनलॉकिंग कैसे करना है, फ्लैश कैसे करना है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे अपनी क्लास में लाइव बताते हैं। ऐसा भी नहीं कैसे हमें अनलॉकिंग करना है, कैसे हमें फ्लैश करना है, और काफ़ी सारे टूल हैं बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में हमें सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। जैसे हम बहुत सारे डोनर्स नहीं, हम यहाँ पे दो डोनर्स में हम सारे सॉफ्टवेयर जॉब डन करा देते हैं। और मैं आपको बताऊँ, दुर्गेश सर से आप पढ़ के देखिएगा एक बार, आप अगर सोचते होंगे कि यूट्यूब से सीख नहीं पा रहे हैं, घर में नहीं डाल पा रहे हैं, या आपके फोन जो फ्लैश कर रहे हैं और जो आपको एरर आ रहे हैं आप डेड कर दे रहे हैं, क्योंकि फाइलों को सिलेक्ट करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट हो गया है। ऑनलाइन फाइल, ऑनलाइन फोन हो या फोन ऑफलाइन हो, कोई सा भी हो, आप एक बार यहाँ इसे टेलीकॉम आइए, खास सॉफ्टवेयर करके जाइए। सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर 4 दिन का होता है, सिर्फ 4 दिन का सॉफ्टवेयर होता है, फिर प्रैक्टिकल। आप अपने सेट लेके आइए, जितने भी सॉफ्टवेयर के सेट हैं आप अपने सारे सेट लेके आइए, और आप खुद बताइए। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं है कि आपसे सेट नहीं बोलेंगे कि बात खोलो, बिल्कुल लेकर के हैं, उनसे लाइव प्रैक्टिकल हो, और ये सारा चीज़ स्टूडेंट ही करता है बिल्कुल लाइव।
आपको फाइनल डायग्नोस पता चल जाएगा कि वो ऐसा तो नहीं है कि एमएनसी से है। वो सारा चीज चेक करके बताते हैं कि वो एमएनसी है, सॉफ्टवेयर से है, वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सारा चीज लाइव प्रैक्टिकल उनको पता चल जाता है। और एमएनसी के लिए आप आ सकते हैं अगर आप सिर्फ एमएनसी सीखना चाहते हैं। ये भी हमारा कोर्स होता है फिर एमएनसी में, और इसमें आपको ब्लैक टेस्टेड मिल जाएगा और ड्यूएल लेकर सीपीयू मिल जाएगा और नैंड प्रोग्रामिंग मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स करना तो भाई एसर टेलीकॉम फिर सब कुछ एमएनसी। और जैसे कि आपने देख लिया कि बैकअप को हम सपोर्ट देते कि नहीं देते। थैंक यू वेरी मच। डेवलप कर सीपीयू कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया। सर ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों।